तोड़ी नहीं है इस गाड़ी का, तोड़ी नहीं है। टाटा का 3 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन। अभी मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ ये गाड़ी कितनी चली हुई है। 15,375 है। ये वही है एक, अच्छा एक तरीके से वही है। और ये लीलैंड वगैरह कोई दोस्त हो या कुछ भी हो, इसका तोड़ नहीं है, नहीं पड़ता इसका। तो यार इतनी अच्छी खास बात है इसमें, मतलब सारी चीजें, फिर भी महिंद्रा पिकअप आप देखोगे, अगर 10 गाड़ी देख लो मार्केट में तो 10 में से एक भी मुश्किल से मिलेगी ये, उसका रेशियो ज्यादा है। ऐसा क्यों लगता है? 3.5 टन जब आप इसमें वजन भर के चलते हो सिटी के अंदर, माइलेज कितना देती है ये? मतलब थोड़ा बहुत तो टॉर्चर झेल जाती है। बहुत टॉर्चर, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत टॉर्चर झेल जाती है। गाइस जहां पिकअप ट्रक्स की बात आती, इंडिया में कुछ खास ब्रांड ही हैं, जैसे आप टाटा की योद्धा ले लो, महिंद्रा की बोलेरो पिकअप ले लो, जिसमें भी 2-3-4 वेरिएंट आते हैं, और एक आती है भाई अशोक लीलैंड, दोस्त दोस्त प्लस। तो अशोक लीलैंड, महिंद्रा और टाटा, भाई तीनों जो कंपनियां हैं उनकी पिकअप ट्रक्स में भाई कांटे की टक्कर चलती है। तो आज है भाई मेरे सामने टाटा की ही जिनोन पिकअप, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनोन की बेजिंग 3.0L, मतलब 3 लीटर का इसमें टर्बो चार्ज इंजन आता है। एक्चुअली आजकल तो गाइस जिनोन पिकअप आना बंद हो गई, ये जो गाड़ी है ये अब योद्धा के नाम से आने लगी है, टाटा योद्धा जिसे हम बोलते हैं। तो एक तरीके से वही समझ सकते हैं आप भाई, ये पुराने जमाने का टाटा योद्धा ही है। तो इसका क्या एक्सपीरियंस है टोटल डिटेल में हम जो इनके ड्राइवर हैं इनसे जानेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, सामने से आप देख सकते हैं ये है इसका केबिन। और गाइज बुलेरो पिकअप ले लो या अशोक लीलैंड ले लो, उसके मुकाबले इस गाड़ी का जो केबिन है ना, एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बल्की सा लगता है। ऐसा लगता है मतलब जैसे कुछ पहलवान टाइप का, थोड़ा मोटा मोटा सा, तो वो मतलब देखने में अच्छी लगती है, लुक इसकी अच्छी है। पीछे से भाई बॉडी सेम ही है, बुलेरो पिकअप ले लो, अशोक लीलैंड ले लो, कुछ भी ले लो, सेम ही बॉडी जो है पीछे इसमें आती है। ये मतलब हाफ आती है यहाँ तक कंपनी से, आपको इसके ऊपर कस्टमाइज करवानी पड़ती है। उसका कितना खर्चा आता है, मेरे हिसाब से भाई लगभग 25 से लेके 50-60 हज़ार के आसपास का खर्चा आता है, वो जैसा आप इसमें काम करवाना चाहो। ये भाई इसमें कुछ ये वाले गुट्टी वाले टायर डलते हैं, जिनका साइज अगर बताऊँ मैं आपको 7-50-16 का इसमें टायर डलते हैं, पीछे गुट्टी वाले टायर और आगे इसमें रेडियल टायर गाइस डलते हैं। तो ओवरऑल सामने से आगे पीछे से मैंने आपको इस गाड़ी की ये जो है लुक बता दी, देखने में काफ़ी शानदार लगती है। और गाइस हमारे भोपाल में पप्पू भाई धनिया वाले जिसकी ये गाड़ी है, काफ़ी भाई बड़ा ब्रांड है, मतलब अच्छा खासा बिजनेस गाइस इनने अपना इस्टेब्लिश करके रखा है। इनके पास लगभग बुलेरो पिकअप वगैरह और अशोक लीलैंड की दोस्त भी है जो मैंने इनके ब्रांड की चलती हुई देखी है। बाकी गाइस कमानी वगैरह मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ एक बार, तो आप देख लीजिए कुछ इतने पत्ते हैं। अब मैं पत्ते गिनूंगा तो नहीं, आप खुद ही गिन सकते हैं। ये गाइस इसका ऐसा कुछ चेसी आता है, देख लीजिए ये कुछ इसमें अलग से कुछ भी, मतलब कई लोग क्या है कि रीपे वगैरह या लकड़ी वगैरह ऊपर लगवा के चेसी को जो है मतलब अलग से ही कस्टमाइज करवाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाइस यहीं पर देखिए इसका पीछे की तरफ डीजल टैंक है, जो कि अराउंड 30 से 35 लीटर का, ये देख सकते हैं आप, ये अपना को पैसेंजर साइड जो है यहाँ पे डीजल का इसका केब धुआ है। बाहर से वही है सेम, ये देख सकते हैं कंपनी से ही भाई जो चद्दर है वो इसमें आई हुई है, और अभी कितनी पुरानी है वो देखते हैं। और बाकी भाई चद्दर वद्दर तो अभी तक डैमेज नहीं हुई है, मतलब क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और एक बार आपको इसका केबिन दिखाता हूँ, तो भाई ये देख सकते हैं आप, ये है इसका केबिन, 2 सीटें इसमें आती हैं, हालांकि भाई बुलेरो पिकअप वगैरह में 3 सीटें आती, बस इसमें 2 आती हैं। और ये है गाइस इसका गियर नॉब, नॉर्मल टाटा का 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील। और ये रहा गाइस इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देख सकते हैं, सिंपल, कोई एसी वगैरह नहीं है। ये इसका डैशबोर्ड है, यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, बस जस्ट सिंपल, कोई खास ज़्यादा चीज़ें जो है इसके अंदर नहीं है। दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये रहा, इसमें भी मतलब बोतल वोटल होल्ड करने के लिए अच्छी खासी जगह है। एक चीज़ है गाइस, टाटा का दरवाज़ा थोड़ा सा हेवी जो है वो मुझे लग रहा है पिकअप की तुलना में। वैसे ये देख लीजिए टाटा का 3 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, यहाँ पे एयर फिल्टर, ये रहा गाइस इसका इंजन जो कि 4 सिलेंडर है। बाकी यहाँ पे इसकी बैटरी वगैरह, और ऊपर भाई वो नॉइज़ इंसुलेशन के लिए पेडिंग वगैरह जो है
दी गई है। नो शोर कितना करता है ये इंजन, ज्यादा आवाज तो नहीं आती केबिन के अंदर? नॉर्मल आवाज। तो भाई ये है इस गाड़ी के ड्राइवर, क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम शानू है। शानू जी। अच्छा कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल के ही रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा। गाड़ी आपकी खुद की है कि आप ड्राइवर हैं इसके? भैया की गाड़ी है मेरे। भैया की गाड़ी है, आप चलाते हैं इसको ज्यादातर? ये गाड़ी कौन सा मॉडल है? ये 18 मॉडल है गाड़ी, और मैं गाड़ी की लाइन में तो 10-12 साल से हूँ। अच्छा आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ चला रखी है? मैंने तो एक चीज बोले तो बहुत सारी गाड़ियाँ चला रखी है। नहीं पिकअप ट्रक्स में पूछ रहा हूँ। पिकअप ट्रक्स में भी बहुत सारी है, महिंद्रा की पिकअप भी चलाई है जी, टाटा की DI 207 आती थी उस टाइम पे तो वो भी चलाई है। अच्छा अच्छा। हाँ अशोक, अशोक लीलैंड की दोस्त जो आती है अभी, वो भी चलाई है। वो भी चलाई है लीलैंड की दोस्त। अच्छा अच्छा। बट ये है कि अशोक लीलैंड में कंपेयर इसको करें। हाँ अशोक लीलैंड और बोलेरो पिकअप दोनों से ही कर दो आप तो कंपेयर इसको। दोनों से, दोनों मतलब गाड़ियाँ वो भी अच्छी हैं। अच्छा बट ये एक इंजन हैवी लोड ले जाने के लिए। एक टाटा की वो आती है 275 क्या? 207 DI। 207। हाँ वही है एक तरीके से। अच्छा ये वही है? वही है। अरे उस गाड़ी के तो बहुत चर्चे सुन रखे हैं मैंने, वो तो मतलब उल्टा सीधा ही लोड भरती थी हमेशा। ये वही है एक अच्छा एक तरीके से वही। और ये लीलैंड वगैरह कोई दोस्त हो या कुछ भी हो इसका तोड़ नहीं, नहीं पड़ता इसको। अच्छा अच्छा। आजकल तो के मामले में आजकल तो बोलेरो पिकअप में भी 1,500-1,500 cc का इंजन देने लग गए। माइलेज से थोड़ा सा वो चल रहा है कि माइलेज है और थोड़ा लुक वाइज है, बाकी कंपनियां है बेच रही है अच्छा अपने हिसाब से सबको सस्ते में दे रही है। अच्छा अच्छा। आपका कैसे प्लान बन गया कि भाई टाटा जिनोन लेनी है? टाटा जिनोन क्या है, हम लोग थोड़ा सा लोड पे चलते हैं, मंडी का काम है। जैसे गाइस आप देख सकते हैं फिलहाल गाड़ी भाई मंडी में ही खड़ी है। देखिए यहाँ पे लहसुन आलू प्याज वगैरह जो है, ये जो शेड है वो पूरा है, तो यहीं पे ये ज्यादा चलते हैं। ऊपर लिखा भी हुआ है पप्पू भाई धनिये वाले। तो आलू प्याज क्या है कि भारी रहता है। अच्छा कितना? तो वो बाजार का काम रहता है, बाजार थोड़े बहुत का काम रहता है बाजार का, सुबह पहुंचाना भी जल्दी है जी, और ज्यादा लोगों का माल जाना है, वजन जाना है। तो फिर जिनोन के मुकाबले कोई सी भी गाड़ी नहीं है। जिनोन ले लो, फिर टाटा की ये 407 ले लो, इससे बड़ी तो 407 ये देख सकते हैं गाइस। इस गाड़ी की पासिंग कितनी आती है कंपनीज भैया? इस गाड़ी की पासिंग आती है 35 क्विंटल। पासिंग आती है 35 क्विंटल? अपनी इसकी गाड़ी की पासिंग तो शायद 1.5 टन के आसपास मेरे हिसाब से आती है। 16 क्विंटल पासिंग आती है इसकी। हाँ 16 क्विंटल पासिंग है पर भर आप इसमें 3.5 से 4 टन भर लेते हो? 3.5 से 4 टन नॉर्मली। इसमें उस लोड को कैरी करने के लिए कुछ बाहर से आपने मॉडिफिकेशन करवाए, जैसे पत्ते वगैरह बढ़वाने पड़ते हैं बोलेरो पिकअप में? नहीं वो उसमें पड़ते हैं, इसके अंदर नहीं पड़ते। इसमें पत्ते नहीं बढ़वाने पड़ते? इसमें सिर्फ टायर डलते हैं पीछे जो गुट्टी वाले, गुट्टी वाले। और बाकी कमानियां वही है आपने दिखा दी। अच्छा तो वो बड़ी हुई नहीं है? नहीं कंपनी से आई थी, कंपनी की कमानियां है। अरे सही है यार। तो जीरो ये इसलिए पड़ती है, और उसके बाद ये रहता है कि आप लोड भर के, ये नहीं कि गाड़ी चलने में थोड़ा सा फर्क लगता है। हाँ। और गाड़ियाँ रहती है कि लोड नहीं ले रही। हाँ। या कहीं फंस गई तो निकल नहीं रही। हाँ। इससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा 2018 का वेरिएंट है गाइस, अभी मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ ये गाड़ी कितनी चली हुई है। 15,375 है मात्र। अरे यार 2018 की गाड़ी है, चलना है सर हमारा लोकल का काम है, बाजार का काम है बस। बस 15,000 बाजार का काम है, यहाँ से गए अपना कोलार। हाँ। गोविंदपुरा बरखेड़ा ऐसे बाजार का काम है, तो कहाँ चलेगी 15,000? लोकल में ही चलती है। लॉकडाउन भी रहा ना बीच में तो कहाँ, उस समय बंद रही। वो भी तो सही है यार, ये तो बिल्कुल नहीं चली हुई है। ऐसा तो नहीं कि मीटर से? नहीं नहीं नहीं, इनमें नहीं। क्या मतलब है? अच्छा आपने नई ली थी? बात बताओ आप, इस ये मंडी की गाड़ी है और लोडिंग गाड़ी है, इसका मीटर रिवर्स करके मुझे क्या मिलेगा? नहीं नहीं मतलब कई बार सेकंड हैंड गाड़ियां लेते हैं, आपने नई ली थी? नई ली थी एकदम। हाँ। शोरूम से उठाई थी। सही है यार, बहुत कम चलाते हो आप तो इसको। बोल तो रहा हूँ मतलब लोकल का काम है, बस ये कि वजन का काम है। अच्छा तो वजन के हिसाब से आपने टाटा चूज करी। महिंद्रा बोलेरो पिकअप वगैरह आपने चलाई है? तो वो गाड़ियाँ लोड के, अंडर लोड के हिसाब से अच्छी है। हाईवे पे चलाने के हिसाब से यार अंडर लोडिंग है, बाकी अपने काम में नहीं चल पाती। मतलब इच्छा नहीं हुई उसको लेने की कुल मिला के?
अच्छा, लुक वाइज कैसी लगती है आपको ये गाड़ी? वाइज भी अच्छी है, आप खुद देख चुके हैं। अच्छी बल्कि सी लगती है थोड़ी। बिल्कुल। कितने की पड़ गई थी आपको ये 2018 में? 6.5 की समथिंग। 6.5 आज की डेट में अगर लेने जाए तो कितने की पड़ेगी? तो महंगी हो, मैंने कंफर्म नहीं किया है, बट शायद महंगी होगी, फिर भी 10 के आसपास जाती होगी आज की डेट। और मेन बात ये 3000 cc का इंजन दे रहे हैं। 6.5-7 के समथिंग में पड़ी थी। 6.5-7 बाकी आज के डेट में 8.5-9 लाख रुपए मिनिमम होंगे आपको कंफर्म नहीं है? अच्छा, 3.5 टन जब आप इसमें वजन भर के चलते हो सिटी के अंदर, हाईवे पे तो हाईवे पे तो आप ज्यादा जाते नहीं हो, माइलेज कितना देती है ये? माइलेज भी अच्छा है। कितना होगा? 14-15 के समथिंग। 14-15 का दे रही है? 13 से लेके 15 के बीच में माइलेज है। हाँ, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है एकदम घनघोर ट्रैफिक है, घनघोर ट्रैफिक है, सब कुछ है, फिर भी वजन भरा है 3.5-4 टन जी, यानी 3500 से 4000 क्विंटल वजन भरा है। हाँ, 400 गाड़ी में मतलब फर्क नहीं पड़ता असल। अच्छा, ऐसे मक्खन मलाई चलती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और वैसे तो पावर स्टेरिंग है जी, और बोलेरो पिकअप में तो अभी अभी आया पावर स्टेरिंग, पहले शादी थी वो। हाँ, इसमें शुरू से पावर आ रहा है जी, स्टेरिंग एकदम बढ़िया कटता है। एक बार आवाज आप इसकी सही है सुनाई दो थोड़ी सी। आवाज ही नहीं है गाड़ी में। हाँ, मतलब उतनी है नॉर्मल जितनी पिकअप आवाज करती है, कोई खास या ज्यादा या कम आवाज नहीं है, सेम ही लग रहा है मुझे सिस्टम। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये बुलेरो पिकअप के बराबर आवाज जब कर रही है, जब उस इसमें उससे बड़ा इंजन है। 3000 cc मतलब होता है, कहता है कुछ 3200 है और ज्यादा ही है 200 cc भाई। स्पेस भी अच्छा खासा है उसमें, बुलेरो में 2-3 सीटें आती हैं। ठीक है, अपन ने सिंगल सीट करवा रखी है, नहीं तो इसमें भी 2 ही सीट आई थी। अच्छा, 2 ही आई थी, सिंगल यही आई थी, लेकिन अपन ने नहीं करवाई, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। बैठ के क्या कंफर्टेबल लगती है आपको ड्राइविंग पोजीशन इसमें? जब भी तो मैंने कुछ ऐसा कुछ करवाया नहीं। अच्छा, अंदाजा वगैरह अच्छा लग जाता है आगे पीछे का पूरा गाड़ी में? बढ़िया है। आप तो, मैं तो कह रहा हूँ आप बैठ के देख के एक बार सब। नहीं, यहीं से मेरे को गाइस देख सकते हैं आप, बोनट जो है बिल्कुल क्लियर जो है सामने का दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पिकअप कैसा है इसका, कितनी स्पीड में चलाते हो आप इसको? तरीके से अगर खुला रोड मिल जाए तो, तरीके से अगर इसमें माना जाए के 16 क्विंटल इसमें वजन भरा जाए जी, और 16 क्विंटल महिंद्रा पिकअप में भरा जाए। हाँ, तो पिकअप फेल है मेरे नाम से। फेल है किसका? पिकअप का, पिकअप का। इसका तेज है? इसका तेज। तो यार इतनी अच्छी खास बात है इसमें, मतलब सारी चीजें, फिर भी महिंद्रा पिकअप आप देखोगे, अगर 10 गाड़ी देख लो मार्केट में, तो 10 में से एक भी मुश्किल से मिलेगी ये, उसका रेशियो ज्यादा है, ऐसा क्यों लगता है? इसके लिए है कि महिंद्रा पिकअप भी बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, उसके लिए भी बुराई नहीं कर रहा जी, काफी अच्छी गाड़ी है। हाँ, और वो हाईवे के लिए अच्छी है। हाँ, हाँ, लॉन्ग रूट जी, और वो भी सब माइलेज में भी, मेरे हिसाब से वजन में भी थोड़ी सी अच्छी है, और फिर कंपनी है जी, क्या जैसे फॉर्च्यूनर का नाम चलता है वैसे, फॉर्च्यूनर का इतना नहीं, महिंद्रा का तो नाम है ही। बोलेरो पिकअप क्या, जैसे स्कॉर्पियो फेमस हुई, ऐसे बोलेरो पिकअप फेमस हो गई है, तो वो चल रही। और फिर आजकल हर दूसरा इंसान तो ले रहा है। हाँ, जो भी पहुंच गया भैया, फाइनेंस अवेलेबल, बैंक हमारे साथ है, तो फिर क्या दिक्कत है? एक बड़ा कारण जो मुझे लगता है उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा है। हाँ, रीसेल वैल्यू, इसकी रीसेल वैल्यू का क्या है, कुछ है अंदाजा आपको? इसलिए कि अब लोग बाव को ज्यादा वजन नहीं भरना। अच्छा, नहीं इसका कम है, आप मानते हो इस चीज को? इस चीज का तो कम है, कम है। आपने कभी रेट वगैरह लगवाने की कोशिश करी इसके? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं है ना, हमारा काम इतना है तो हमको जरूरत पड़ी, मतलब आजीवन गाड़ी को बुड्ढी होने तक चलाना है आपको? हाँ, ये तो है कन्फर्म। अच्छा, काम ही ऐसा है, अदरक प्याज लहसुन का, अच्छा आलू का, तो उस चीज को तो चलने। आप इसको अदर कॉमर्शियल वर्क्स, जैसे कि किसी सामने वाले का भाड़ा है भाई, हमको यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से, नहीं, हम लोग नहीं करते ही नहीं हो, हमारा आलू प्याज का ही काम, खुद का ही काम है। पर्सनली खरीदते हो, पर्सनली बेचते हो? नहीं, पर्सनल खरीदते भी नहीं है, मंडी का काम है, मतलब सिर्फ मंडी का ही जो गल्ला है उठा के कहीं कहीं गोडाउन वगैरह में रख के, बस बस वही है। अच्छा, कितना क्या छोड़ दे रही है महीने में? 25-30 हजार रुपए आराम से। अच्छा, और उसमें मेंटेनेंस क्या क्या रहता है गाड़ी का? मेंटेनेंस बस टायर रहते हैं अपने, टायर हैं,
इंजन ऑयल। हाँ, सर्विस वगैरह आपने कंपनी में करवाई इसकी? हाँ कंपनी में। कितने कितने किलोमीटर पे करवाई थी इसकी? करवाई थी 3000 किलोमीटर। 3000? हर 3000 पे होती है? हर 3000। कितना खर्चा आता है? इसका खर्चा आता है 300 से 3500 रुपए के समथिंग। 3500 से 4000 मान ले अपन मैक्सिमम। हाँ। इतना ही उसका आता है बोलेरो पिकअप का, लेकिन इसका थोड़ा कम ही आता है। कम ही आता है 3000 के समथिंग। अच्छा, और टाटा के जो सर्विस सेंटर वगैरह है, जब वहाँ पे आप सर्विस करवाने जाओ तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। अच्छा रहता है, आपका अच्छा रहेगा, हमारा अच्छा रहेगा तो सामने वाले का भी अच्छा रहेगा। ऐसा मतलब अच्छा है, ये भी नहीं कि हम गए और वो आ गए, नहीं, अच्छा रहता है। और ये हमारे वसीम भाई है। हाँ। ये भी इस गाड़ी को चलाते है। अच्छा, ये भी चलाते है। हाँ, आपको कैसी लगती है चलाने में? मस्त चलती है एकदम, तोड़ी नहीं है इस गाड़ी का, तोड़ी नहीं है। वो जो 207 आती थी उससे अच्छी चलती है कि वही है? उससे जानदार चलती है। उससे जानदार चलती है, पावर स्टीयरिंग है। अभी तक रास्ते में कभी कुछ धोखा वोखा तो नहीं दिया कहीं पर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। माल भी टन भोल ले जाती है। अच्छा बिंदास, मैंने आपको बताया ना कि चार्ट के मामले में तो कंपेयर आप किसी चीज को कर नहीं सकते। क्लच का कैसा एक्सपीरियंस है बोलेरो पिकअप में? एक चीज जो है वो बार बार ज्यादा लोग वो करते हैं कंप्लेंट, जरा मैं फंस गई तो फक से क्लच प्लेट फूंक देती है। फूंक नहीं, फूंक इतनी दिक्कत नहीं आती है। आप बताओ, एक आध बार चेंज तो नहीं करवाई? नहीं करवाई है सर्विस के टाइम पे, बट टाइम हो गया, 18 मॉडल है। बट ये है कि ऐसे कहीं फंस गई और चल गए तो इतना कोई वो इशू नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत तो टॉर्चर झेल जाती है? बहुत टॉर्चर, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत टॉर्चर झेल जाती है। सही अगर है ऐसे, अगर कभी आप सुबह सुबह आए और भर के देखे और फिर उसके बाद वीडियो बनाए तो लोग कहे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा टॉर्चर नहीं है। कुल मिला के कोई व्यक्ति है जो जिसने सोच रखा है कि भाई 4 टन मेरा मिनिमम माल इधर से उधर ले जाना है, तो वो बिन आंख बंद करके इस पे भरोसा कर सकता है, इस पे या टाटा योद्धा पे? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही गाड़ी है लगभग, बस वो अपग्रेडेड वर्जन है इसका। अच्छा ठीक है, आप लोगों से भाई बात करके काफी अच्छा लगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी, जो जानकारी है गाड़ी के बारे में वो कहीं ना कहीं आपके काम की लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो गाइस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा आपकी क्या राय है गाड़ी के बारे में, आपको बोलेरो पिकअप अच्छी लगती है या टाटा की जिनोन या योद्धा अच्छी लगती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।